हेलो लर्नर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इनके बारे में शुरू करने के पहले एक कॉमन चीज़, वो कॉमन चीज़ यह है कि ये सारे शब्द विल के परिवार में से हैं। मतलब क्या, इंग्लिश वाक्य में जो नियम हम विल को उपयोग करने के समय लगाते हैं वो सारे नियम इन शब्दों के लिए भी लागू होते हैं। इन शब्दों के तुरंत बाद आने वाला एक्शन वर्ड कभी भी एस से समाप्त नहीं होगा, ना ही तुरंत आने वाला एक्शन वर्ड कभी भी भूतकाल में होगा। इन शब्दों के तुरंत बाद आने वाला एक्शन वर्ड केवल और केवल प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में होगा, लेकिन बिना एस लगाए। इस एक महत्वपूर्ण नियम को अगर आप ध्यान में रखते हो तो जब आप इन शब्दों का उपयोग अंग्रेजी वाक्यों में करोगे तो आपका व्याकरण गलत नहीं होगा। तो शुरू करते हैं हर एक शब्द की जानकारी। जब कभी अंग्रेजी वाक्य में क्षमता का दर्शन कराना होगा, यानी अगर आपको वाक्य के द्वारा ये कहना है कि जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो क्या कर सकता है या फिर क्या कर सकता था, हम वाक्य द्वारा किसी की क्षमता के बारे में अगर बात कर रहे हो तो जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है क्षमता दर्शाने के लिए वो है कैन और कुड। वर्तमान काल की क्षमता दर्शाने के लिए कैन इस मॉडल का उपयोग होता है, तथा भूतकाल की क्षमता के बारे में बात करने समय हम कुड इस मॉडल का उपयोग करते हैं। वर्तमान में जो क्षमता है उसके बारे में बोलने के लिए कैन, और भूतकाल में जो क्षमता थी उसके बारे में बोलने के लिए कुड। उदाहरण ऐसा सोचो, मैं एक 25 साल का जवान हट्टा कट्टा व्यक्ति हूँ। मैं कहता हूँ मैं एक समय एक साथ 14 समोसे खा सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्षमता का दर्शन इस वाक्य में किया जा रहा है और ये मेरी आज की क्षमता के बारे में बोल रहा है। अभी ऐसे सोचो कि मैं वही 25 साल का हट्टा कट्टा नौजवान अब बूढ़ा हो गया हूँ, 30 साल हो गए, और मैं मेरे पोते को बोल रहा हूँ, जब मैं 25 साल का था तब मैं एक समय एक साथ 15 समोसे खा सकता था। मैं मेरी भूतकाल की क्षमता के बारे में बोल रहा हूँ। ऐसे वाक्यों में जिस मॉडल का उपयोग किया जाएगा वो होगा कुड। तो कैन वर्तमान काल की क्षमता और कुड भूतकाल की क्षमता दर्शाने के लिए उपयोग में लाए गए हुए मॉडल्स है। डियर लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक्स आपको फायदेमंद लगे होंगे और आज कुछ आप नया सीख के यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो अगले सेशन तक सभी को Goodbye. See you soon.